नेपाल में नई सरकार के गठन को 2 महीने भी नहीं हुए और संकट में घिर गई है। सत्ता में सहयोगी रही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने अपने मंत्रियों को वापस बुला लिया है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की ओर से आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को एक बार फिर से देश का गृह मंत्री बनाने से इनकार किए जाने के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है। 48 साल बाद लामिछाने पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में चितवन 2 निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के 27 जनवरी के फैसले के बाद वे संसद की अपनी सदस्यता गवा बैठे हैं। इसके बाद रविवार को आरएसपी की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रचंड सरकार में शामिल अपने मंत्रियों को वापस बुलाने का फैसला किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लामिछाने हिंदी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल मैसेज भी दिया। लामिछाने ने पीएम से एजेंटों के जरिए कूटनीति नहीं करने के लिए कहा है। पहले आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे ये बयान क्यों दिया गया। मोदी जी, जो लोग आपके नाम पे यहाँ पर लूट रहे हैं, वो लोग नेपाल और भारत के संबंध आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा होगा हमारे संबंध बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई है, ये बोलने वाली बात है। ये लोग जो एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उन पर विश्वास करना बंद कीजिए, सीधी बात कीजिए। आप कोई एजेंट आपके लिए आपका ये इंडिया का लाइन है करके यहाँ पर जो चला रहा है वो धंधा को बंद कीजिए। अगर आपको सच लगता है कि नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र है और हमारे रिलेशन अच्छा बनानी चाहिए, तो बीच में कोई आदमी मत भेजिएगा, कोई पत्रकार को मत भेजिएगा, कोई एजेंट को मत भेजिएगा, कोई प्रकाशक को मत भेजिएगा, सीधी बात कीजिएगा। लामिछाने ने अपने मैसेज में पीएम मोदी से कहा कि जो लोग यहाँ पर आपके नाम पर लूट रहे हैं वो भारत नेपाल के रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उनके इस बयान की वजह जानने के लिए हमने काठमांडू में विदेश और रक्षा मामलों की जानकार वरिष्ठ पत्रकार परशुराम काफले से बात की, जो लामिछाने के प्रेस वार्ता में मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार परशुराम काफले ने कहा कि नेपाली मीडिया भी नहीं जानता कि पीएम मोदी के लिए लामिछाने ने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लामिछाने कहीं ना कहीं अपने साथ हुए इस वाक्य के लिए भारत के प्रति नर्म रुख रखने वाले नेताओं का हाथ मानते हैं। ऐसे में हो सकता है कि उन्होंने ये बयान दिया हो।